दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट खोकर 308 रन बना लिया है। जी हाँ, इसका मतलब अब भारत मात्र 3 रन पीछे है वेस्टइंडीज के कुल स्कोर से, जिसके बाद कहा जा सकता है कि भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में भी अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें, जहां फिर से 19 साल के लड़के पृथ्वी शाह ने शानदार खेल दिखाया, वो भले ही शतक से चूक गया हो लेकिन उन्होंने शानदार 70 रन की पारी खेली। तो वहीं विराट कोहली भी 45 रन की शानदार पारी खेल के टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भी अनहोनी से बचा चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें, अब कल का दिन शानदार रहेगा भारत के लिए, क्योंकि अजिंक्य रहाणे 76 रन पे खेल रहे हैं, तो वहीं ऋषभ पंत फिर से एक शानदार शतक की ओर बढ़ रहे हैं और 85 रन पे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत को दो नायाब सितारे आज के दिन मिल चुके हैं, चाहे वो पृथ्वी शाह हो या ऋषभ पंत, इन दोनों पे हर एक दिग्गज दांव लगाने को तैयार है, और जब दांव लग रहा है तो ये दोनों खिलाड़ी हर बार उस पे खड़े उतर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर वेस्टइंडीज ने कल भारत को 500 रनों तक आउट नहीं किया तो भारत फिर से एक विशाल लक्ष्य देगा वेस्टइंडीज को और शायद दोबारा बैटिंग के लिए ना उतरे।